इस समय हम लोग महम हलके में मौजूद हैं, जहां से राधा अहलावत निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में गिनती होती है महम विधानसभा की, जहां हर बार कांटे का मुकाबला होता है और इस बार भी लड़ाई आर पार की है। इस सीट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां पर पार्टियों से ज्यादा पंचायती उम्मीदवारों का दबदबा रहता है। हर चुनाव में कोई ना कोई पंचायती उम्मीदवार होता है और इस बार शमशेर खरखड़ा की धर्मपत्नी राधा अहलावत को ये जिम्मेदारी मिली है। हालांकि राधा अहलावत हलके के लिए नई नहीं है, पिछले 15 साल से वे शमशेर खरखड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़ती रही हैं। राधा का कार्यक्रम बहुत अच्छे कार्यक्रम, हर गाँव में बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती कैंडिडेट है, इतने गरीब आदमी में इतने काम करे हैं, इतने आज तक जो सरकार उन्होंने भी नहीं हुई इस पर। ठीक है, आधार कार्ड ये पीले कार्ड लोग आगे कोई भी दफ्तर में चले आया, दिन रात खड़ी पाई, सारे काम सही, अब कोई भी काम गरीब आदमी ने पड़े, किसी पेंशन नहीं बनी, बुढ़ापा पेंशन बनवाई है, किसी गरीब आदमी के मैं सारा लाना सारा लाया है, इसका बढ़िया कैंडिडेट मैम 24 में एक भी नहीं है। राधा अहलावत भाजपा की टिकट की सबसे बड़ी दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पंचायती तौर पर मैदान में ताल ठोक दी। चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और महम में हालात ऐसे बन गए हैं कि राधा अहलावत ने सभी विरोधियों के पसीने छुड़ा रखे हैं। गांव वाले ने बोला जी दंगी साहब को कौन हरा रहा है, बोला मैं बोले भाई पिछली बार तुमने कुंडू पर आ लिया, एक बार मेरे पर आ लियो कि लुगाई तारेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। और भाई मैं एक बात और कहूं, मैं सदातर रेसर रही हूं, सारे इकट्ठे करके वोट दे दियो, सब ताकत लेकर जाऊंगी नंबर वन। राधा अहलावत अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और मंच से भी खुलकर दावा करती हैं कि इस बार महम की जनता ऐसा जनादेश देगी कि राजनीति को अपने परिवार की बपोती समझने वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वे राजनीति में धन कमाएं या अपना नाम चमकाने के लिए नहीं आई, बल्कि अपने क्षेत्र के विकास, यहाँ की समस्याओं के समाधान और युवाओं के भविष्य के लिए मैदान में उतरी हैं। एक महिला होने के नाते उन्हें पता है कि कैसे माताओं और बहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब घर में रोजगार नहीं हो तो उसे घर चलाने में कितनी कठिनाई होती है। युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने क्षेत्र का हर पहलू से विकास कराएं, लेकिन जिन लोगों को महम की जनता ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, उन्होंने सिवाय अपना घर भरने के अलावा कुछ नहीं किया। विकास के लिए मैंने अभी बोला था, मेरा विजन है मेरा महम सुंदर शहर जैसा बने, यहाँ पे सेक्टर आए, इंडस्ट्रियल एरिया आए, अच्छा मेडिकल बने और इसके साथ जरूरत हो तो बाकी फैसिलिटी भी हैं, चाहे पानी की सुविधा है, सीवरेज की सुविधा है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पाइपलाइन में थी, जिनके टेंडर होने बाकी है, सारा काम। 5 साल का समय बहुत होता है, हम सब लोग जो हैं मेरे महम शहर को जैसा मैं 2009 में सपना लेके आई थी उससे भी ज़्यादा सुंदर शहर बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल हुई, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, एमएलए दूसरी पार्टियों के बने, तो हमारा जो हलका है वो बिना किसी सरकार में साझा किए बगैर बैठा है। जैसे कि एक खेत होता है, खेत का रखवाली होता है वो ना हो, पाली होता है जानवरों का पाली ना हो, तो हमारा हलका ऐसा रहा है। अब बदलाव का समय है और महम की जनता बदलाव चाहती है। सुबह से लेकर देर रात तक राधा अहलावत गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रही हैं, जनसभाओं के माध्यम से अपना विजन रख रही हैं। लोग भी उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं और उनका कहना है कि शमशेर खरखड़ा और राधा अहलावत ना तो विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महम में खूब काम कराए और जिस तरीके से उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी ना होने के बावजूद क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दिया, उससे उन्हें भरोसा है कि हमारी विधायक बनकर महम को प्रदेश का अव्वल विधानसभा क्षेत्र बनाएंगी, इसलिए इस बार राधा अहलावत को भारी मतों से जिताकर चंडीगढ़ भेजेंगे। राधा ने जितावांगे और काम किए हैं राधा ने, बिना बने भी काम किए खूब करे, ये अस्पताल बनवा डांगरा का, चार दीवारी जोड़ की करवाई और ये
कमेटी बनवाई, ये काम करवाए इन्हें और समाज के बहुत काम करने लाग रही है। विधायक भी नहीं थे फिर भी वो सरकार में थोड़ा बहुत था जो भी है, फिर भी उन्होंने काम बहुत अच्छे करवाए हैं। मैं हल्के के भाई हल्के में राधा लावत का पूरा जोर है, अब की बार राधा बिल्कुल पार है। ठीक है, राधा ने मतलब पिछले 10 साल में शमशेर खरकड़ा यहाँ से विधायक भी नहीं थे, फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा काम करवाया हल्के में। ठीक है, 10 साल दांगी रह गया यहाँ पर विधायक, कुछ काम नहीं करवाया। अपने चैतों को नौकरी लगवाई, नौकरी बिकती थी इनका राज में। ठीक है, सारे घपले होया करते इनका राज में। 5 साल कुंडू रह गया विधायक, कोई काम नहीं करवाया कुंडू साहब ने, एक मतलब 5 रुपया काम नहीं करवाया कुंडू साहब ने कहीं भी। जो भी काम करवाए है मैं मलका में राधा लावत ने करवाए, शमशेर खरकड़ा ने करवाए है। बाहरी कैंडिडेट भी आ रखे हैं भाई यहाँ पे, सारे कैंडिडेट फैला राधा के आगे। ठीक है, राधा है, राधा की बार पार है, कम से कम 25,000 वोट जीतेगी राधा, क्लियर जीत है राधा की। तो आपने सुना कि महम हल्के के लोगों का मिजाज क्या है, ये राधा अहलावत की जनसभा के लोगों की राय है। लेकिन ये देखना होगा 8 तारीख को ही कि किसके सर पे सजेगा सरदारी का ताज, कौन बनेगा यहाँ से विधायक।